नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आप सभी को पता ही है कि दिसंबर 2023 के पेपर एनालिसिस सीरीज हम आपके लिए लेके आए थे, जिसमें आज का सब्जेक्ट कोड आपको दिखाई देगा BPAG 173। किस प्रोग्राम में इग्नू के ये पढ़ाया जाता है? तो जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन में क्या करते हैं, ऑनर्स की डिग्री करते हैं, जिसका नाम होता है नॉर्मली BAPAH, यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स, है ना। तो ये जो आपका बड़ा सा एक प्रोग्राम है, इसमें बिल्कुल लेटेस्ट पेपर मैं आपके लेके आया हूँ, दिसंबर 2023 का पेपर। इस पेपर की खास बात क्या है, इसमें हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं या फिर ई शासन की बात करते हैं, जो कि इंटरनेट के थ्रू आज के समय में पूरे देश का प्रशासन चल जाता है। आज के समय में आपने देखा होगा हार्ड कॉपी में काम बहुत कम होता है, डॉक्यूमेंट्स में काम कम होता है और सॉफ्ट कॉपी में काम ज़्यादा होने लग गया है। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस का नाम हमने इस व्यवस्था को दिया है। 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है और लगभग 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। पेपर की खास बात आपको जो पता है वो यही है कि 400 शब्दों में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहले यही उत्तर कितने शब्दों में देना होता था हमें, 500 शब्दों में ये उत्तर देना होता था, लेकिन अब ये कितने शब्दों में है मात्र, ये आपको केवल और केवल 400 शब्दों में उत्तर देना है। 500 शब्दों वाली कहानी खत्म हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। ई शासन के विभिन्न मॉडल, एक ना एक मॉडल हमेशा पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन को देखिए आप, इस पैटर्न को, कि ई गवर्नेंस के कौन कौन से मॉडल हैं। हर देश ई गवर्नेंस के एक अलग ही मॉडल पर अपने देश का शासन चलाने की कोशिश करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ई गवर्नेंस की बात आ रही है, तो ICT एक्ट जो है इंडिया के, ICT एक्ट बोले तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है हमारे देश की, उसके जो विभिन्न एक्ट हैं अधिनियमों, उनसे एक क्वेश्चन 100% इस वाले सब्जेक्ट कोड में आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जल्द ही इसकी कॉन्सेप्ट क्लासेस के तौर पर मैराथन क्लासेस होंगी, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलता है। डन दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझेंगे। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड जो है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी सी है, लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत आसानी निकल के आएगा। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी और ई शासन के कानूनी तथा नीतिगत ढांचों पर एक टिप्पणी लिखिए। इसमें दो कॉन्सेप्ट है। 10 नंबर में तो आपको ICT के बारे में लिखना है, ये तो हो गया आपका इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ आपके पास ई गवर्नेंस है ना। क्या है ई गवर्नेंस? इसमें जो भी कानूनी एक्ट बने, मैंने बताया था ना क्वेश्चन हर बार आ रहा है एग्जाम में, तो जो भी कानूनी एक्ट यहाँ पर बने उस पर 3+ स्टार हम देंगे। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो इस एग्जाम में आपको पास कराएगा। इस बार भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, या तो ICT से रिलेटेड एक्ट या फिर ई गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी एक्ट आपके आए हैं वो सारे यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। ग्रामीण विकास तथा कृषि में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण विकास और कृषि है ना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ICT का क्या यूज है। ICT यूज इन, आप कह सकते हैं रूरल एरियाज, है ना, रूरल एरिया। तो ग्रामीण इलाकों में ICT का क्या यूज़ है, बहुत बड़ा यूज़ है। इंफॉर्मेशन के कलेक्शन से लेकर नई नई पॉलिसीज़ के एप्लीकेशन तक हर जगह यूज़ होती है ICT आज के समय में। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में भी, कृषि क्षेत्र में भी, पशुपालन में भी, हर तरीके से इसका यूज़ है। चलिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर क्या करनी है, आपको टिप्पणी करनी है 200 शब्दों में आपको इस पर टिप्पणी करनी है और 200 शब्दों में इस पर टिप्पणी करनी है। दोनों को मिलाकर आपके कितने 400 शब्द, और ये आपको मिलेंगे कितने नंबर, 20 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। इग्नू पेपर की खास बात क्या है, 20 नंबर यदि आपको अचीव करने तो आपका आंसर कम से कम 200 शब्दों में होना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर देखेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली, कौन सी प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली और सूचना प्रणाली के प्रकार। तो इसका मतलब यह है कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया आपका, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम क्या हो गया, सूचना प्रणाली। अपने आप में क्या हो गया दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, आपको पता होना चाहिए सूचना प्रणाली क्या होती है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के सामने उभरा। अब इससे रिलेटेड कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी भौगोलिक सूचना प्रणाली, कभी सूचना प्रणाली का महत्व, कभी इसके प्रकार और कभी इसका मूल्यांकन। तो जो हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है हमारा, सूचना प्रणाली, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, नगरीय क्षेत्रों में ई प्रशासन परियोजनाओं का वर्णन कीजिए, यानी जो आपके अर्बन एरियाज हैं उसमें ई प्रशासन किस तरीके से काम करता है। और इसी के साथ आप क्वेश्चन जोड़ लेना, ये तो अर्बन एरियाज हो गए, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं हमारे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, इस पर लगाइए आप 3+ स्टार, या तो नगरीय क्षेत्रों में ई गवर्नेंस या फिर शहरी क्षेत्रों में, सॉरी ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन जो कि आप ले भी रहे हैं यूट्यूब से, और प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में आपको बताना है ई अधिगम, ई लर्निंग जिसे हम कहते हैं, ई लर्निंग, ई एल के नाम से जानते हैं इस, ये क्या है अवधारणा बोले
तो ये क्या है और इसका महत्व भी आपको बताना है, 10 नंबर में इसकी अवधारणा और 10 नंबर में इसका महत्व बताना है। कुल मिला के जो आप YouTube के थ्रू पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में, आप ही देखिए। समय बचता है, मेहनत बचती है, और आप देखिए बहुत चीज़ें हैं जो हमारी बचती है। प्लस हर व्यक्ति की पहुँच में जब एजुकेशन नहीं होती, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन ही है जो आपको डिस्टेंस लर्निंग में मदद करती है, दूरस्थ शिक्षा ये हमें देती है। इग्नू की स्टेब्लिशमेंट ही इस चीज़ को लेकर की गई थी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, सेवंथ। सेवंथ में यदि हम देख पाए तो नागरिक सेवाओं के वितरण में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी एक प्रमुख भूमिका निभाती है, नागरिक सेवाओं के वितरण में, है ना। जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं उसके जब उनको क्या किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब ICT का यूज़ होता है किसमें, सिविल सर्विसेज में, किसमें दोस्तों, जो सिविल सर्विसेज हैं इनमें यूज़ होता है ना। अब सिविल सर्विसेज तो हमें पता ही, हमारे देश में कौन कौन सी मानी जाती है नागरिक सेवाएं, पूरा आप कह सकते हैं पूरा नौकरशाही तंत्र इसमें आ जाता है लगभग। और नौकरशाही तंत्र आज के समय में सब डिजिटल ही क्या है चल रहा है, क्योंकि भारत में चल रहा है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, आपको पता ही है ना। तो भारत को पूरे तरीके से डिजिटली बनाने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर चलाई जा रही है। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, इसको देखते हैं। सूचना आयोग की शक्तियाँ, भाई इंफॉर्मेशन कमीशन आपको पता ही है, इसकी शक्तियाँ भी बतानी है, इसके कार्य भी बताने हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जो कि आपके समय क्या हो रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के थ्रू हो रहा है, और आपको पता ही है ये है भीम, है ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी ट्रांसफर, भीम, UPI, फोन पे, गूगल पे, और बहुत सारे पेटीएम वगैरह, पेटीएम बैंक, स्मॉल बैंक, इन सब के थ्रू आज के समय में हम इलेक्ट्रॉनिकली पे कर रहे हैं, जिसे हम ई पे के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं, ई पे के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। तो आपने देखा ज़्यादातर ये पूरा ही पेपर इलेक्ट्रॉनिक, आप कह सकते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में बात करता है, ई गवर्नेंस के बारे में बात करता है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को वहाँ पर क्या करके चले जाते हैं, सोल्व करके चले जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी होने वाला है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, आप कॉन्सेप्ट क्लास चाहते हैं, तो आपको जल्द ही मिलेगी। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।